माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला मैं उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा पूरा खुलासा किया है, और वो जो न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकाश्त उसका मालिक है, उसके सारे पैसे में कहां कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया जिसका एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे, कुछ विषयों पर न्यूज क्लिक का ये जो नवलका के साथ या पुरकाश के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर, वो दिग्विजय सिंह का, सुरजेवाला का, सुप्रिया श्रीनेत का, ये सारे ट्वीट आए सर ये चाइनीज के साथ लेने के, ये देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और ये दिग्विजय के बाद जो हिंदू चीनी भाई भाई नेहरू की जो नीति थी उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं, और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस नहस करना चाहती है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है उसकी जांच की जाए, और जितने लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, और कांग्रेस पार्टी को अर्जुन राम मेघवाल जी किया जाए, और कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये भारत के माध्यम से भारत सरकार से मेरे नाम के आगे मैं यदि कोई टिकट करना हो पेपर तो मैं ले करने के लिए तैयार हूँ सर। मोदी जी के रहते ये संभव नहीं है, हम इसको चलने नहीं देंगे। आप कितना हंगामा कर लो, इंडिया को तोड़ने की ताकत, भारत को तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। छोटी कुर्बानी देनी पड़े, हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक कार्यवाही तोड़ने का काम 9 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।